में भूमि सर्वेक्षण का काम जारी है और सरकार का तर्क है कि भूमि सर्वेक्षण काम सुचारू ढंग से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है। क्या वाकई में ऐसा है? ये जानने के लिए हम भगवानपुर वैशाली में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, समाज के हर तबके के लोग मौजूद हैं और इन्हीं से जानते हैं, ले लेंगे। क्या नाम है आपका? सिपाही राय। सिपाही जी, सर्वेक्षण हो रहा है आप लोग? जी, उसमें हुआ है कि हम केवाला जमीन कराए हैं, उसमें चार गो पांच गो नंबर है। अब चार गो पांच गो नंबर में से केवाला तो चार गो पांच गो से नंबर हुआ करवाए हैं, और ये ऑनलाइन कटवाने जाते हैं तो उस पर चढ़ा हुआ एक के गो है। अब कर्मचारी के भी जाते हैं तो वो कहता है कि ऑनलाइन करवा के लाइए, और ओकरा भी जाते हैं तो भेजता है ओकरा भी अंचल में दौड़े दौड़े का अथी 500-700 रुपये खर्चा हो गया, काम नहीं हुआ। क्या वही तो जाना चाहते हैं? परेशानी है कि दौड़ के जाइए सीओ ऑफिस, तुरंत कर्मचारी के लगे तुरंत सीओ ऑफिस, वहाँ से वहाँ भेजता है। परेशान है हम लोग, कोई उपाय नहीं चल रहा है। अच्छा, सीओ से लेके कर्मचारी तक कोई नहीं सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। कैसे होगा? अब कैसे होगा तो बिहार सरकार जानेंगे। बहुत लोगों का खाता खेसरा उनके नाम से है, रजिस्टर 2 में भी है, और उनका जो है वो ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है। जब तक ऑनलाइन नहीं दिखाएगा सर्वे नहीं होगा, और कहा जा रहा है कि भाई आप ऑनलाइन करवाइए। जब ऑनलाइन करवाते हैं तो सीओ साहब का काम है वहां पर वो ऑनलाइन को लाना, चेक करना, चेक करके उसको लाना, वो नहीं हो पा रहा है। क्या कह रहे हैं सीओ? क्या कह रहे हैं सीओ? कह रहे हैं जी अपने सिस्टम से होगा, और वह सिस्टम से कुछ दिन के बाद जो है सो उसको खारिज कर दिया जाता है। मेरा जमीन है, मेरा रजिस्टर 2 में है, उसके बाद बहुत लोग तो इसलिए नहीं खारिज जो किया जाता है उसका कोई रीजन नहीं बताया जाता है कि वजह नहीं बताया जा रहा है? वो रिपोर्ट नहीं, माने रिपोर्ट सबमिट नहीं है, और रिपोर्ट सबमिट नहीं है तो किसके द्वारा नहीं है? उन्हीं के कर्मचारी के द्वारा नहीं, तो बहुत से रुपया के लेके हो रहा है। दूसरी बात है कि अब सभी लोगों को अपने बहन का, ये फुआ है उनका, पुराना अभी बचा हुआ है उन लोगों का, तो ऐसा है कि उसमें बहुत सा जमीन बिक चुका है। एक भाई जो है अपने हिस्से से भी ज्यादा बेच दिए, तो ऐसी स्थिति में तो बहुत मुश्किल है। कैसा चल रहा है सर्वेक्षण का काम? हम थोड़ा जो से भूमि सुधार विभाग के ही रिटायर कर्मचारी है। अच्छा, आप? हाँ, आप बताइए तो, जो चल रहा है इसमें क्या समस्या हो रहा है? तो बिल्कुल गड़बड़ है, जितना दाखिल खारिज चाहे जो भी रसीद रही कटा है, टूपन नहीं चढ़ रहा है, खाली पैसा के लिए। हम ऐसे शर्मिंदा है, समझे कि नहीं? अच्छा, हम शर्मिंदा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि आसानी से गांव के लोग हो, क्या होना चाहिए उसके लिए आप सुझाव दीजिए? से यदि रसीद कट जाए, चाहे दाखिल खारिज हो या मोटेशन हो जाए, खुशी से लोग 500 रुपया दे देगा। नहीं, बात पैसा की भी नहीं, आप एक रास्ता बताइए, चूंकि ये आपकी खबर को हो सकता है कि बिहार सरकार के मंत्री भी देखें और करें। आप क्या सुझाव देते हैं कि ग्रामीण इलाकों में क्या ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए ताकि? बहुत गड़बड़ है स्थिति। कैसे सुझाव क्या है आपका? सुझाव है कि मतलब कोई काम करे 500 रुपया खुशी से मिठाई खाने के लिए। मिठाई की बात नहीं, सिर्फ ये सुझाव नहीं, सुझाव क्या मतलब कैसे जो लोग जिसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं, चाहे कुछ का जानकारी नहीं है, कैसे जाए और कैसे काम करे? तो वही लोग ना बताएंगे। भूमि सर्वेक्षण का जो भगवानपुर प्रखंड है, तो उसका मेन कार्यालय जो बनाया गया है, तो ये तो बीच में होना चाहिए प्रखंड के आसपास में, क्योंकि पेपर में भी आया था जो प्रखंड के बगल में होना चाहिए। यहाँ क्या हुआ है कि भगवानपुर से एक बार 8 किलोमीटर पीछे। ये समस्या सिर्फ यहाँ के नहीं है, कई जगह का समस्या। ये सही बात आपने बताया। तो देखिए, ये एक समस्या, और हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ एक गांव की बात नहीं है, बिहार में ऐसे कई गांव हैं जहां पे भूमि सर्वेक्षण काम हो रहा है, और हमारी कोशिश है कि जो राजस्व विभाग के मंत्री हैं, अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, इस खबर को देख रहे हैं तो समझे कि ग्रामीणों को मूल रूप से समस्या हो क्या रही है, उसका निराकरण कैसे जल्द से जल्द हो, ताकि भूमि सर्वेक्षण का काम जो बिहार में हो रहा है अच्छे ढंग से हो और इसमें कोई विवाद न हो। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, भगवानपुर वैशाली।